जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम आपका भाई आपका दोस्त। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 3.3 के आगे के कुछ क्वेश्चंस की। तो प्रश्न संख्या सेकंड ये रहा आपके स्क्रीन पर। आपको दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है, मैंने यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हो। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1 और इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। इन दोनों को हल करना है, x और y का मान निकालना है, उस मान को इसमें रखना है, यानी उसे हम समीकरण 3 में रखेंगे और फिर उससे आपके पास m का मान प्राप्त हो जाएगा। इतना आपको करना है। तो समीकरण 1 और 2 को देखिए हल कैसे करना है। तो 2x प्लस 3y बराबर 11 दिया गया है और यहाँ पर आपके पास 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24 दिया गया है। आप देख सकते हो इसमें हम क्या करेंगे, अगर ऊपर वाली समीकरण में से नीचे वाली समीकरण को घटा दे देते हैं, जब भी घटाते हैं तो ध्यान रखना कि इनके साइन चेंज हो जाते हैं, इनके चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये प्लस का है माइनस का हो गया, ये माइनस का है प्लस का हो गया, ये माइनस का है प्लस का हो गया। अब ऊपर वाला प्लस का नीचे वाला माइनस का कट गया, प्लस का 3 और प्लस का 4 ये मिलके बन जाता है प्लस का 7y, प्लस का 7y बराबर ये प्लस का, ये प्लस का 4 और एक 5, 2 और एक 3। यहाँ से y का मान अगर आपको ज्ञात करना है तो 35/7 यानी कि 5 आ जाएगा। तो y का मान कितना प्राप्त हुआ, 5। इस y के मान 5 को समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में, किसी भी समीकरण में रख लो। तो मान समीकरण 1 में y बराबर 5 रखने पर, y बराबर 5 रखने पर, तो देखो 2x प्लस 3 इसकी जगह 5 रखा बराबर 11, तो 2x 5 तिया 15 बराबर 11, 2x बराबर 11 माइनस 15, इस 15 को यहाँ भेज दिया तो 2x बराबर आ जाएगा माइनस 4 और x बराबर आ जाएगा माइनस 4/2, यानी कि x का मान आपको प्राप्त हो गया माइनस 2। तो y बराबर 5 और x बराबर माइनस 2 को जब हम समीकरण 3 में रखेंगे तो m का मान प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण 3 में x व y का मान रखने पर, ठीक है, तो y बराबर mx प्लस 3a, आप देख सकते हो y का मान तो है 5, m x का मान है माइनस 2 प्लस 3, इसको इधर भेज दो, तो 5 में से 3 गया और ये माइनस का 2m, तो 2 बराबर माइनस का 2m। m का मान ज्ञात करना है तो इसको भाग कर दो, तो 2/-2, 2 से 2 कट जाएगा, एक बार m का मान माइनस 1 प्राप्त हो जाएगा, m का मान माइनस 1 प्राप्त हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा था, क्या करना था, समीकरण आपको 2 दे रखी थी और तीसरे समीकरण में आपको m दिया गया था, तो समीकरण 1 और 2 से x का मान ज्ञात करना था। अब वो किसी भी विधि से करो, चाहे आप प्रतिस्थापन से करो, चाहे आप विलोपन से करो या वज्रगुणन से करो, तीनों में से किसी भी एक विधि से आपको उसको हल करना है, x y का मान निकालना है और समीकरण 3 में रखना है। इस तरह से आपको m का मान प्राप्त होगा। क्लियर, अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए दोस्तों बात करेंगे प्रश्न संख्या 3 के पहले भाग की। प्रश्न संख्या 3 का पहला भाग ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आपको दिया गया है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर 26 है तो एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। आपसे पूछा क्या गया है, क्या आपको संख्याएं पता, नहीं पता, आपको सिर्फ उनके बीच का अंतर पता है, यहाँ तक क्लियर। फिर क्या दिया गया है कि एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यहाँ तक क्लियर हुआ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इसको इनके समीकरण को बनाकर आपको सिर्फ प्रतिस्थापन से ही हल करना है, ये आपको पहले ही दिया गया है। तो देखिए किस तरह से करना है इस टाइप के क्वेश्चन को। आपको पहला क्या दिया गया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, क्या आपको पता है क्या वो संख्याएं कौन सी, नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन संख्याओं को मानेंगे। तो माना पहली संख्या है x, माना एक संख्या x और दूसरी संख्या मान लेते हैं y।
अब बहुत से बच्चों के दिमाग में ये चलता है कि सर आपने ऐसा क्यों नहीं लिखा कि एक संख्या छोटी है दूसरी संख्या बड़ी। आपकी इच्छा हो तो आप लिख सकते हो कि छोटी संख्या x है बड़ी संख्या y है और दोनों के बीच का अंतर 26 है। अंतर 26 आपको दिया गया है, दो संख्याओं के बीच का अंतर आपको दिया है क्या, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर। तो हम मान लेते हैं अगर छोटी संख्या ये है और बड़ी संख्या ये है तो हम लिख लेते हैं y माइनस एक्स बराबर 26। ये आपको दिया गया है, इससे आपकी एक समीकरण भी बन गई। इसके बाद क्या दिया गया है कि एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या की कितनी है, एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 3 गुना है। अब जब भी ऐसा हो ना, एक सिंपल सी बात सोचो, देखो ए की उम्र 8 साल है और बी की उम्र 20 साल है, 10 साल है, ठीक है। इसको किस तरह से बोलेंगे, ए बी से 2 साल छोटा है, ऐसा बोल सकते हैं, या यूँ बोलें कि ए जो है वो बी से 2 साल छोटा है, एक तो ऐसा बोलेंगे, दूसरा क्या बोलेंगे कि बी जो है वो ए से 2 साल बड़ा है, इस तरह से हम बता सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, जिसकी बात होती है उसके अपोजिट वाला, उसके विपरीत वाले में हम बदलते हैं। जैसे इसने क्वेश्चन में आपको दिया गया है ना क्या कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है, तो यानी बड़ी संख्या हम मान लेते हैं वाई और वो छोटी संख्या जो है एक्स उसकी 3 गुना है, यानी कि छोटी संख्या का जब आप 3 गुना कर दोगे तो आपको बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। ये समझ में आना, ये वाला अगर पोर्शन आपको समझ में आ गया तो आप समझ लीजिए आपके क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको इक्वेशंस बनाना आ गई तो, आपको समीकरण बनाना आ गई तो, अब ये समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। तो समीकरण 2 से जो मान प्राप्त हुआ उसे समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से, 2 से जो मान प्राप्त हुआ वो इसमें रख दो। देखो 3x माइनस एक्स बराबर 26, तो 2x बराबर 26, एक्स बराबर 26/2, एक्स बराबर 13। इस एक्स बराबर 13 को इसी में रख देते हैं, एक्स बराबर 13 समीकरण 2 में रखने पर तो ये हो जाएगा 39। ये x और y का मान प्राप्त हो गया। अब आप देखो, आपने क्वेश्चन में जो दिया था उसी की मदद से आपने इसमें इसके मान ज्ञात किए। आपको क्या दिया था, दो संख्याएं, छोटी संख्या बड़ी संख्या, आपकी इच्छा हो लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अगर ऐसा लिखोगे तो x माइनस वाई लिखोगे तब भी कोई गलती नहीं करोगे। ये बात ध्यान रखना कि इसमें एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 3 गुना है, या आप बोल सकते हो कि जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या की 3 गुना है। जब आप ऐसा बोलते हो तो आपको समझने में भी आसान होता है कि बड़ी संख्या है तो छोटी की 3 गुना ही होगी। जैसे मान लो बड़ी संख्या 3 है, छोटी संख्या 1 है, तो मैं क्या बोलूँगा कि बड़ी संख्या जो है वो छोटी संख्या की 3 गुना है। मान लीजिए अगर ये एक्स है और ये वाई है, तो ये वाई बराबर कितना है, वाई बराबर है 3 गुना एक्स। समझ में आया, तो बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या की 3 गुना है। इस तरह से आपको करना है, x और y का मान ज्ञात करना है, यानी आपको प्रतिस्थापन से ही हल करना है। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है, लेकिन आपकी सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको प्रतिस्थापन विधि को हल करना आना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की। आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आपको दिया गया है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले बात आती है संपूरक कोण की। अगर आपको संपूरक कोण नहीं पता तो ये क्वेश्चन आपका यहीं पर गलत हो गया, लेकिन अगर आपको पता है तो आप इजीली कर पाओगे। कंसेप्ट एक छोटा सा आपको पकड़ना है, क्या माना छोटा कोण x मान लेते हैं और बड़ा कोण आप चाहो तो डिग्री लगा लेना ना, छोटा कोण x है बड़ा कोण y है। अब जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से, अब देखो ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं ना मैं वही लिख रहा हूं, बड़ा कोण, अच्छा छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि बड़ा वाला जो कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण क्या है, y, छोटा कोण क्या है, x, इससे 18 डिग्री
अधिक है। ये समझ में आया, ये समीकरण एक बन गई। अब आप बोलोगे सर इसमें दूसरी समीकरण तो दी नहीं गई है, लेकिन दूसरी समीकरण दे रखी है। अगर आप ध्यान से पढ़ो तो दोनों कोण जो है वो क्या है, संपूरक। संपूरक कौन से होते हैं, जिनका योग 180 डिग्री होता है, जिनका योग, जिन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, दोनों कोण क्या है, संपूरक, दोनों कोण संपूरक है। अतः x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। पूरक होता तो कितना होता, 90 डिग्री। समझ में आया। अब देखो एक समीकरण ये रही, एक समीकरण ये, तो समीकरण एक से मान रखो ये एक है ये दो है। अब क्या करेंगे, एक दो एक लगा देते हैं, एक से मान रखा दो में, और दो से जो मान प्राप्त होगा उसे वापस एक में रख के हम मान ज्ञात कर लेंगे। तो समीकरण एक से y का मान समीकरण दो में रखने पर, आप देख सकते हो ये 2x हो गया, ये 180 माइनस 18 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री। 10 में से 8 गया 2, 7 में से 1 गया 6, 162। x का मान निकालोगे 162 बटा 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, तो x का मान आपको प्राप्त हो गया 81 डिग्री। ठीक है, x बराबर 81 डिग्री इसमें रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में x बराबर 81 डिग्री रखने पर 81 प्लस 18 तो ये हो जाएगा 8 और एक 9, 9। समझ में आया। अब देख सकते हो आप ये कितना हुआ, x बराबर आपके पास 18 डिग्री आ गया और y बराबर आपके पास 99 डिग्री आ गया। इस तरह से आपको ये करना है। वापस बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। दो कोण हैं आपको दे रखे हैं, उसमें क्या है कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड कीजिए, ये निश्चय कीजिए कि x किसको मानना है, y किसको मानना है, या बड़ा कोण या छोटा कोण किस किसको मानना है। तो हमने क्या किया था, छोटा कोण x को माना, बड़ा कोण हमने y को माना। ठीक है, अब इसमें दिया गया है, ये क्वेश्चन की कंडीशन है, ये जो है ना, ये क्वेश्चन की कंडीशन है। आपकी इच्छा है अगर आप लिखना चाहो तो, ये मैंने आपको समीकरण बनाने के लिए बताया। तो बड़ा कोण है y, छोटा कोण है x, इससे ये 18 डिग्री ज़्यादा है। अब क्या करना था, एक समीकरण ये बन गई, दूसरी समीकरण आपको संपूरक दिया गया था, उसे अंडरलाइन कर लीजिए, पेंसिल से मार्क कर लीजिए। संपूरक मतलब कि दोनों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होगा। तो दो समीकरण हो गई, एक ये रही और दूसरी समीकरण ये रही। इन दोनों को हल करना है प्रतिस्थापन विधि से, x और y का मान ज्ञात करना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ रहा होगा। बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आपको दिया गया है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 में खरीदी, बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बड़ा ही सिंपल सा है, प्रत्येक बल्ले और गेंद, क्या आपको पता है बल्ले और गेंद को आप दर्शाओगे किस तरह, तो वही काम करते हैं। माना एक बल्ले का मूल्य x, अब आपको क्या दिया गया है, एक माना एक बल्ले का मूल्य हमने x मान लिया और गेंद का मूल्य जो है y मान लिया। अब समीकरण जो दी गई है वो देखिए, आपको बताया गया है कि 7 बल्ले और 6 गेंदे, तो 7 बल्ले, 7, एक बल्ले का मूल्य इतना है, 7 से गुणा कर देंगे तो कुल मूल्य आ जाएगा। तो 7 बल्ले और 6 गेंदे, इनका मूल्य 3800 रुपये है। ये समझ में आया, ये समीकरण एक बन गई। इसके बाद इसने क्या कहा, इसने कहा इसके बाद 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 में खरीदी। 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 में खरीदी। अब आप इसको समझो, मान लीजिए मैंने आपको कहा मार्केट जाना है और आपको क्या क्या लेके आना है, पेन और पेंसिल लेके आना है, पेन और पेंसिल लेके आना है। 10 पेन ले आओ, 10 पेंसिल ले आओ, ठीक है, 10 पेन लाना है, 10 पेंसिल लेके आना है। मान लीजिए एक पेन का मूल्य 1 रुपये है, ठीक है, तो 10 पेन कितने के हो गए, 10 रुपये के।
अब मान लीजिए अगर एक पेन का मूल्य x है तो 10 पेन का मूल्य 10x हो जाएगा। इसी तरह एक पेंसिल का मूल्य अगर x है या y है तो 10 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 10y। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैंने आपको कहा 10 पेन और 10 पेंसिल लेके आने हैं तो और कुल रुपए मैंने आपको दे दिए 20, कुल रुपए दे दिए 20, तो आप क्या करोगे कि भाई सर ने दिया कि 10 पेन लेके आने, एक पेन का मूल्य को 10 से गुणा कर दिया, एक पेंसिल के मूल्य को 10 से गुणा कर दिया, दोनों को जोड़ दिया, बराबर 20 लिख दिया। इससे क्या पता लग गया, इससे एक समीकरण बन गई आपके पास। अब आप देख सकते हो 0 0 0 कट जाएगा तो एक समीकरण क्या बन जाएगी, x प्लस y बराबर 2। इसी तरह से मैं एक समीकरण आपको और बताऊंगा। लेकिन आप समझिए एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने इसमें चर राशि होंगी उतनी ही समीकरण बनेगी, जितनी चर राशि होंगी उतनी ही समीकरण बनेगी। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन को आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना था, आपकी इच्छा है 1 2 1 लिखो या 2 1 2 लिखो। अब मान लीजिए समीकरण 1 से मैं x का मान निकाल लेता हूँ, समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करने पर इससे x का मान निकाल लो तो 7x प्लस 6y बराबर 3800, तो x का मान हो जाएगा 3800 माइनस 6y बटा 7। x का जो मान आपने निकाला है उसे समीकरण 2 में रख दो, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर यह आ गया 3800 माइनस 6y बटा 7 प्लस 5y बराबर 1750। इसे हल कर लो, आंसर आ जाएगा। हल कैसे करना है, सबसे पहले LCM लेना है। LCM लोगे तो ऊपर वाली संख्या को, तो लिखो 3 8 24, 3 3 9 और 2 11 माइनस 6 3 18 प्लस 7 5 35 और इस 7 को बाद में यहाँ पर गुणा कर दो तो 0 का ऐसा कैसा आ जाएगा, 7 5 35 फिर ये लग गया 3 7 7 49 50 51 52, ये आ गया 7 1 7 5 12। इस तरह से आपके पास ये एक समीकरण बन गई। इसको और सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा, ये देखिए 35 में से 18 माइनस कर दो तो 17, 15 में से 8 गया 7, 2 में से 1 गया 1, 17y बराबर 12250 माइनस 11000 12250 माइनस 11400, तो 17y बराबर, ये तो 0 हो गया, 5 में से 0 गया 5, 2 यानी कि 12 में से 4 गया 8, फिर ये बच गया 1, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 850। ठीक है, 850 आपके पास आ गया। तो y का मान कितना आ जाएगा, 850 डिवाइडेड बाय 17 17 5 85 0, y का मान आ गया 50। इसका मतलब है एक गेंद का मूल्य 50 रुपये है। अब इस y के मान को समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, बहुत से स्टूडेंट होंगे वो सोचेंगे कि सर ने बड़ा मेथड तो नहीं करा दिया, अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो इस तरह से करना पड़ेगा, अगर पूरे मार्क्स चाहिए तो। एक बात और ध्यान रखना, ये x का मान आपने यहाँ पर निकाला है ना, अगर आप चाहते हो y का मान इसमें रखना तो इसको भी कोई समीकरण दे के इसमें भी नाम मान रख सकते हो। y का मान रखोगे तो घूम फिर के वही बात पड़ेगी, जो मान आपको मैं यहाँ से निकाल के दे रहा हूँ वही मान आप इससे निकालोगे। तो समीकरण 1 में y का मान 50 रख दोगे तो 6 × 50 बराबर 3800, तो 7x बराबर 6 5 30। ठीक है, इसको उधर भेज दो, 3800 ये बन जाएगा 6 5 30, 300 एक्स बराबर आ जाएगा 3800 माइनस 300 3500 बटा 7, तो 7 5 35 0, तो बल्ले की कीमत आ जाएगी 500 रुपये और गेंद की कीमत आ जाएगी आपके पास 50 रुपये। इस तरह से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ रहा होगा, लाइक वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपको दिया गया है एक नगर में
टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा ₹105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा ₹155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोग्राम भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। आपको क्या है दिया गया है कि इतने किलोमीटर, या यूँ बोल सकते हो कि एक फिक्स भाड़ा तो आपको देना ही देना है। उसके बाद जैसे मान लीजिए 1 किलोमीटर के लिए भाड़ा हो गया फिक्स, ठीक है, तो यानी कि 1 किलोमीटर यात्रा करने पर आपको ₹10, ₹15, ₹20 वो तो देने ही देने हैं। उसके अलावा आप जितने किलोमीटर, आपको मान लीजिए ए से बी तक जाना है, ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी है 10 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर अगर आप जाते हो तो बाकी का बचाव कितना है 9 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर के लिए जो भाड़ा है वो तो फिक्स ही है और बाकी के 9 किलोमीटर के लिए जो भाड़ा है वो अलग है। यहाँ तक समझ में आया? बस इस तरह से आपको इसको करना है। तो क्वेश्चन को सबसे पहले समझेंगे उसके बाद इसको करने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा आपके सामने, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोग्राम भाड़ा क्या है? तो माना नियत भाड़ा कितना है x, माना नियत भाड़ा कितना है ₹x, ठीक है, और प्रति किलोमीटर भाड़ा ये है आपका ₹y। अब दिया है आपको पहली समीकरण क्या दी गई है, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। देखो नियत भाड़ा तो लगेगा ही लगेगा, ठीक, फिर उसके बाद पहले कितने रुपए देता है, पहले वो देता है ₹105। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा देता है ₹5। तो देखो 10 किलोमीटर उसने गया कितना, उसके बाद जितना भी किलोमीटर वो गया वो, और इसके लिए वो देता है ₹105। इसको समझिए पहले, ये फिक्स भाड़ा यानी ये तो हो गया नियत, ये 10 किलोमीटर वो चलता है और 1 किलोमीटर के हिसाब से उसका चार्जेस अलग होता है, ठीक है। तो 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है y, 10 किलोमीटर का भाड़ा करना निकालना है तो 10 से गुणा कर दिया, और इन जब ये दूरी वो तय करता है तो वो कुल पैसे देता है ₹105। इसी तरह से दूसरा आपको क्या दिया गया है कि जब वो 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है, 15 किलोमीटर यानी कि एक्स प्लस 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा दिया 155, ये समीकरण 2, इन दोनों को हल कर लीजिए। और इसने कहा 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, 25 किलोमीटर के लिए, तो 25 को y से गुणा कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। तो समीकरण 1 से मान निकाल कर समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 1 व 2, तो x बराबर आ जाएगा 105 माइनस 10y। इस x का मान देखो समीकरण 1 व 2 से, यानी कि समीकरण 1 से हमने x का मान निकाला है, x का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं। अब इसको 1 कर दो, तो x का मान समीकरण 2 में रख दो, तो 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। तो आप देख सकते हो 105 प्लस 5y बराबर 155, 105 को उधर भेज दो, तो 5y बराबर 155 माइनस 105, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 1 में से 1 गया 0, 5 से ये कट जाएगा 10 बार, तो y का मान आपको प्राप्त हुआ 10, ठीक है। y का मान कितना प्राप्त हुआ 10, y का मान समीकरण 1 में रखते हैं और x का मान प्राप्त करते हैं। अब आप समझिए ये उसका फिक्स भाड़ा है, यानी ₹5 तो आपको देना ही देना होगा,
उसके बाद आप जितने किलोमीटर जाओगे, एक नियत दूरी है, उस दूरी के लिए भाड़ा इसने कर दिया कि ये तो 5 किलोमीटर तो आपको देना ही देना है, अगर आप टेम्पो में बैठ गए 5 रुपये तो देना ही देना है, फिर उसके बाद एक फिक्स दूरी के लिए आपको 5 रुपये देना है, फिर उसके बाद जितने किलोमीटर आप जाओगे उसका भाड़ा प्रति किलोमीटर 10 रुपये के हिसाब से आपको देना है। अब इसने कहा कि इसको कितना किलोमीटर जाना था, 25 किलोमीटर जाना है। तो देखो नियत भाड़ा प्लस एक का, अब इसको देखो नियत भाड़ा, इसको इस तरह से समझते हैं, नियत भाड़ा, नियत इतना ही है यानी फिक्स है ये, तो फिर उसके बाद ये समीकरण बनती इस तरह से, कितने किलोमीटर जाना है 25 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का कितना चार्ज है, 1 किलोमीटर का 10 रुपये चार्ज है, समझ में आ रहा है आपको। तो ये आपके पास बन जाएगा एक्स प्लस, ये आपके पास बन जाएगा 25 और गुणा वाई, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो एक्स बराबर आपके पास कितना है 5, ये रख दो, तो 5 प्लस 250 ₹255 आपको देने पड़ेंगे 25 किलोमीटर की यात्रा तय करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए ज़रूर मार्क कर लीजिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आपको दिया गया है यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वे 9/11 हो जाती है, और अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वे 5/6 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, अगर आपको भिन्न पता है तो आप उसमें जोड़ के मान ज्ञात कर सकते हो, लेकिन भिन्न अगर नहीं पता तो आप नहीं ज्ञात कर सकते हो। लेकिन भिन्न होता क्या है, देखो बड़ा सिंपल सा है, यहाँ पर माना अंश कितना है, माना उस भिन्न का अंश कितना है x, हर कितना है y, तो भिन्न कितना बन जाएगा, भिन्न होता है अंश बटा हर, अंश कितना है x, हर कितना है y। अब आपको दिया है क्या कि इसमें यानी कि अंश और हर में आपको कितना जोड़ दिया जाए, अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाता है। तो यानी कि अंश में 2 जोड़ दो, हर में 2 जोड़ दो, ये 9/11 कर दो, सिंपल सा कंसेप्ट है। 11 को इधर गुणा करो तो 11 ये बन जाएगा x प्लस 2, इसको इधर गुणा कर दो यानी कि इसको इधर गुणा कर दो और इसको इधर गुणा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 9y प्लस 2, तो 11x 11 दूना 22 बराबर 9y प्लस 9 दूना 18, तो 11x माइनस 9y बराबर 18 में से 22 माइनस कर दो तो आ जाएगा -4, समीकरण एक। और दूसरा आपको क्या दिया गया है, दूसरा आपको दिया गया है कि अगर अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, ये अंश और ये आपका हर, इसमें 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, 5/6 हो जाती है। अब आपको क्या करना है, वही सेम प्रोसेस जो आपने यहाँ पर किया, इसको इधर गुणा करो, इसको इधर गुणा करो, एक समीकरण बनाओ, तो 6x प्लस 3 5y प्लस 3, तो 6x 18 5y 15, तो 6x माइनस 5y बराबर -3, 15 में से 18 माइनस करोगे तो माइनस का 3 आएगा, इसे आप नाम दे दो समीकरण 2। अब समीकरण 1 ये रही, समीकरण 2 ये रही, इन दोनों को आपको हल करना है और x और y का मान ज्ञात करना है। दोनों मानों को ज्ञात करने के पश्चात कमेंट सेक्शन में बताना है कि इनका आंसर क्या होगा। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, सिंपल कंसेप्ट था, अगर आपको भिन्न पता है तो आप मान ज्ञात कर सकते हो, अगर आपको भिन्न नहीं पता तो आप मान ज्ञात नहीं कर सकते, सिंपल सी बात। भिन्न के लिए हमने क्या किया था, सबसे पहले अंश को माना x, हर को माना y, और एक समीकरण क्या दी गई थी कि अंश में और हर में अगर हम 2 जोड़ दें तो 9/11 बन जाती है, और अगर 3 जोड़ दें तो 5/6 बन जाती है। अगर ये कहता कि भिन्न में जोड़ते हैं तो आप ध्यान रखना, अगर ये कहता ना भिन्न में जोड़ने पर तो x बटा y प्लस 2 लिखते, लेकिन इसने अलग से कहा है कि अंश और हर में जोड़ना है, यानी कि अंश में भी 3 जोड़ना है और हर में भी 3 जोड़ना है, तब जाके जो समीकरण है वो 9/11 बनेगी। यहां तक क्लियर, इसके आंसर जो भी हैं वो जरूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे x और y के मान। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आपको दिया गया है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, 5 वर्ष पूर्व
जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी, उसकी वर्तमान आयु क्या है? सिंपल क्वेश्चन, लेकिन इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। आपको इसी क्वेश्चन की कम से कम 3 से 4 बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन को सबसे पहले समझते हैं। देखिए, आज मेरी जो उम्र है, आज से 5 साल पहले मेरी अलग उम्र होगी, आज से 5 साल बाद मेरी अलग उम्र होगी, यहाँ तक मानते हो? अब यही सेम चीज़ आप अपने ऊपर करके देखो। आप जैकब को भूल जाओ, उसके बेटे को भूल जाओ, आप और आपके पिताजी या माताजी, जो भी आप लेना चाहते हो। अभी आपकी उम्र इतनी है, जैसे मान लो वर्तमान में मान लेते हैं, वर्तमान की बात करते हैं, ये आप हो या आपके माता या पिता, कोई भी हो सकता है ना, जिससे भी आप तुलना करना चाहो। मान लीजिए आपकी उम्र अभी एक्स है, इनकी उम्र वाई है, ठीक है? अब इसे थोड़ा सा इस तरह से समझो, ये एक्स है और दूसरा वाला आपके पास वाई है। यहाँ पर आज से 5 साल बाद, तो ये भी 5 साल बाद बड़ा होगा और ये भी 5 साल बाद बड़ा होगा। समझ रहे हो आप इस बात को? ये दोनों 5 साल बाद बड़े होंगे। और अगर पहले की बात करूं तो ये 5 साल पहले की बात करेगा, इधर भी 5 साल पहले की बात करेगा। बस इतना सा ध्यान रखना, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सिर्फ एक छोटी सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए किस तरह से करना है जैकब वाला क्वेश्चन। माना जैकब की वर्तमान आयु एक्स वर्ष, ठीक है, और जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु वाई वर्ष है। बस ये दो चीज़ आपको लिखनी है, उसके बाद जैसा मैं आपको बता रहा हूँ आपको बिल्कुल वैसा ही करना है, कोई गलती नहीं होगी, मार्क्स पूरे मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ लिख लो वर्तमान, यहाँ लिखो जैकब और यहाँ उसका लिख दो पुत्र, ठीक है? वर्तमान इसकी वाई है, इसकी एक्स है और इसकी वाई है। अब इसने क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, 5 वर्ष बाद, तो यहाँ लिखो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जैकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। पुत्र की आयु का 3 गुना कर दोगे तो जैकब की आयु आ जाएगी। सिंपल सी बात है, वापस समझना ध्यान से। बेटे की जो उम्र होगी, बाप की उम्र जो है वो उससे 3 गुना ज़्यादा है, सिंपल सी बात है। तो बेटे को 3 गुना कर दो, बाप की उम्र के बराबर हो जाएगा, सिंपल सी बात है ना। देखो अब ये कह रहा है 5 वर्ष बाद इसकी आयु इतनी हो जाएगी, लेकिन इस बात को थोड़ा सा और समझना। लेकिन इसने कहा है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद क्या आपने इसमें ऐड किया क्या? नहीं। तो आपको 5 वर्ष बाद भी पहले इसमें ऐड करना है, ऐसा नहीं है कि आप इसको डायरेक्ट लिख दोगे, वरना इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। समझ रहे हो आप इस बात को? तो इसके लिए आपको किस तरह से करना है, 5 वर्ष बाद, तो यानी कि इसमें भी 5 साल जोड़ दो, इसमें भी 5 साल जोड़ दो और इसको 3 से गुणा कर दो। इस तरह से आप ये करके इसका आंसर ज्ञात कर सकते हो। समझ में आया? दोनों की उम्र 5 साल बढ़ेगी, फिर उसके बाद 5 साल बाद क्या होगा कि जो बाप है वो बेटे का 3 गुना हो जाएगा, बेटे की आयु का 3 गुना। फिर इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट क्या दिया गया है कि पुत्र की 3 गुनी हो जाएगी, 5 वर्ष पूर्व जैकब की जो आयु थी उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी। तो ये 5 वर्ष पूर्व, तो अभी उसके वर्तमान में कितनी है x, तो आज से 5 साल पहले कितना होगा x माइनस 5, इसमें से भी y माइनस 5। तो जैकब की जो आयु थी वो उसके बेटे की आयु की 7 गुना थी, तो उसके बेटे की आयु की 7 गुना थी। ये समझ में आया? अब इसकी वर्तमान आयु आपको ज्ञात करनी है। तो अगर आपने ये दोनों समीकरण बना लिए तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको क्या करना है, देखिए पहली समीकरण तो बन जाएगी x प्लस 5 3y प्लस 15, तो x माइनस 3y, 15 में से 5 गया तो 10, समीकरण 1। x माइनस 5 7y माइनस 7 पंजे 35, इसको इधर भेज दो तो 7y x माइनस 7y माइनस का 35 है, प्लस का हो जाएगा तो ये माइनस का 30 बन जाएगा आपके पास, समीकरण 2।
समीकरण एक और दो को हल करना है और x और y का मान ज्ञात करना है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि x और y की वैल्यू कितने हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको इन क्वेश्चंस में किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो या कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके आगे का कंसेप्ट पढ़ेंगे। इजाज़त दीजिए। जय हिंद।